मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके जो आपको याद है मैंने आपको जो आपकी टेक्स्ट बुक की फ्लेमिंगो और विस्टास उनके चैप्टर समझा दिए हैं, और आज हम उसके अंतर्गत पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज। तो जो एक्सट्रैक्ट है इनके, जैसे जो लेसन चैप्टर आपने समझा उनके बीच के जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं उनसे आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो उसके अंतर्गत आज हम करेंगे लेसन वन द लास्ट लेसन। ये फ्लेमिंगो की बुक का है और आप चाहें तो इसको एक बार दोबारा से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे आपको ये जो एक्सट्रैक्ट हैं इनको हल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर वन। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question on participles and I didn't know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the role for participles, but I had firm strength to resist and hurried off to school. अब यहाँ पर जो नन्हा बच्चा फ्रेंड्स रहता है वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है और वो मिस्टर एम हेमल के डांट पड़ने के डर से तेजी तेजी चलने लगता है, क्योंकि मिस्टर एम हेमल उस दिन पार्टिसिपेंट्स के बारे में क्वेश्चन करने लगते हैं। लेकिन वो देखता है कि जो दिन रहता है वो बहुत वार्म और ब्राइट रहता है और चिड़िया चहचहाती रहती है, सॉमिल से वहां पर क्रिश्चियन सोल्जर ड्रिल करते रहते हैं, ये सब बहुत आकर्षक रहता है। लेकिन फिर वो अपने अंदर एक हिम्मत लाता है और फिर से वापस अपने स्कूल की तरफ चल पड़ता है। यहाँ पर इसके क्वेश्चन देखते हैं। What does the word dread mean? Dread का क्या मतलब है? A. Fear, B. Apprehensiveness, C. Awe और D है all of these. तो यहाँ पर dread के ये पूरे मतलब सिमिलर होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा D, all of these. क्वेश्चन नंबर टू देखो बच्चों। Who is I in the above extract? यहाँ पर जो आई वर्ड लिया गया है इस एक्सट्रैक्ट में, तो वो आई कौन है? तो हमको मालूम है चूंकि हमने ये लेसन समझा है, यहाँ पर आई है। इसका आंसर देखें पहले, ए है एम हेमल, बी है फ्रेंड्स, सी है वॉचर और डी है पेडलर। तो यहाँ पर सही आंसर है फ्रेंड्स। जो नन्हा फ्रेंड रहता है वो किसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है? आई। थ्री देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, How was the day? दिन कैसा था? A. Warm and bright, B. Cold and dark, C. Sunny, D. Rainy. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लिखा भी हुआ है बच्चों, Warm and so warm and so bright. यहाँ लिखा भी हुआ है आंसर, तो यदि याद ना आए तो आप इस पे देख सकते हैं। तो according to the narrator, how was the day? Answer A. Warm and bright. चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड नंबर के एक्सट्रैक्ट की तरफ। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the order of the commanding officer. I thought to myself without stopping, What can be the matter now? Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. Don't go so fast, bug. You will get to your school in plenty of time. I thought he was making fun of me and reached M. Hammer's little garden आउट ऑफ ब्रेथ। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब वो बच्चा स्कूल के लिए लेट होता रहता है तो वो बुलेटिन बोर्ड के सामने से निकलता है,
तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड में हमेशा बुरी न्यूज आती है, हारे हुए युद्ध के बारे में लिखा रहता है, कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ, चलते बिना रुके हुए सोचता जाता है कि अब कौन सी चीज आने वाली है। तभी मैं देखता हूँ कि वहां पर ब्लैक स्मिथ रहता है और उसका अप्रेंटिस, दोनों मुझसे कहते हैं बहुत तेजी से मत जाओ, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए बहुत सारा समय है। तो फ्रेंड सोचता है कि नहीं, ये शायद मेरे पे मजाक उड़ा रहे हैं, और वो बिना सांस लिए मतलब बहुत तेजी तेजी से हाँफता हुआ एम हेमिल के लिटिल गार्डन के पास पहुंच जाता है। क्वेश्चन देखें, वेयर वॉज द क्राउड गैदर्ड, जो भीड़ थी वो कहाँ इकट्ठी हुई थी। आंसर देखें, ए है एट द स्कूल, बी इन द मार्केट, सी इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, डी है इन द क्लास। तो अब यहाँ पर क्या है कि सही आंसर क्या है, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। वेयर वॉज द क्राउड गैदर, सो द क्राउड गैदर इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर टू देखो, वॉट इज द सिनोनिम ऑफ प्लेंटी, प्लेंटी का पर्यायवाची क्या है। ए मोर, बी इनफ, सी नॉट मोर देन, डी लेस। सही आंसर है बी इनफ। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो, व्हाई वाज देयर अ ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के समय बहुत सारी भीड़ क्यों लगी हुई थी। आंसर ए देखें, ड्यू टू बैड न्यूज, बी ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, सी ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज, डी ऑल ऑफ दी। यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने जो भीड़ लगी थी उसमें ये सारी चीजें आती थी। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ दी, मतलब ड्यू टू बैड न्यूज, ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज, ऑल ऑफ दी। देखते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर थ्री, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, That day M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone sat to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pen over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest ones, who worked right on pressing their fish hooks as if that was strange. Two, on the roof of the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. यहाँ पे क्या है, जब एम हेमिल पढ़ाते रहते हैं तो ग्रामर पढ़ाते हैं, उसके बाद लिखने का अभ्यास करवाते हैं। उस समय एम हेमिल नई कॉपियां बच्चों के लिए लेके आते हैं, जिन पर बहुत सुंदर अक्षरों से लिखा रहता है फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। वो सारी कॉपियां बच्चों के हाथ में ऐसे लगती है जैसे छोटी छोटी झंडियां और यहाँ से वहां तैर रही हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी फिश हुक्स का ड्रॉइंग बनाने में लगे रहते हैं, और वहां इतनी शांति रहती है कि पेपर पर पेन के चलने की आवाज आती रहती है। तभी वो वहां देखता है कि पिजन वहां पर अपनी खिड़की के पास बैठे हुए हैं और वो कूड़ यानी आवाज कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे। तब फ्रेंड सोचता है कि क्या ये लोग अब कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना गाना सिखा देंगे, क्या जर्मन भाषा सीखना इतना जरूरी है। क्वेश्चन देखें बच्चों, व्हाट हैड एम हेमिल ब्रॉट फॉर एवरीवन, एम हेमिल सबके लिए क्या लाए थे, यहाँ लिखा है न्यू कॉपीज। तो आंसर पहला फ्लैग, बी क्वेश्चन पेपर, सी कॉपीज, डी न्यूज पेपर। सही आंसर क्या है, सी कॉपीज। क्वेश्चन नंबर टू देखो, व्हाट डज द वर्ड बीटल मीन, बीटल का क्या मतलब है। ए बटरफ्लाई, बी इंसेक्ट, सी बीज, डी मॉस्किटो। यहाँ पर बीटल का मतलब है इंसेक्ट। सी देखो, विच लैंग्वेज वॉज टू बी टॉट इंस्टीड ऑफ फ्रेंच, यहाँ पर फ्रेंच भाषा की जगह कौन सी भाषा सिखाई जानी हो रही है। ए देखो जर्मन, बी स्पेनिश, सी इंग्लिश और डी इटालियन। सही आंसर है
जर्मन, क्योंकि इसने बोला ना कि क्या वो जर्मन में कबूतरों को गाना भी सिखाएंगे, तो यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज सिखाने को बोला जा रहा, जर्मन लैंग्वेज। अब चलते हैं हम इसके फोर्थ नंबर के एक्सप्रेस की तरफ। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द स्टार, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर and my history of the sun were old friends that I couldn't give up, and M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his rudeness and how friendly he was. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because, feeling very sorry too, that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. यहाँ पर क्या होता है, फ्रेंड्स को पता चलता है कि ये जो लेसन है वो कैसा है, उसका फ्रेंच भाषा का आखिरी लेसन है, उसको बहुत दुख होता है, कहते बड़ी मुश्किल से तो मैंने अभी इसको लिखना सीखा था, मैं इसको ज्यादा समझ भी नहीं पाया, सीख भी नहीं पाया, उन सारी किताबों को, उन सारे लेसन को भी नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं पूरे समय चिड़ियों के अंडे ढूंढने में, सार नदी में जाकर के स्लाइड रेस में करने में पूरा समय बर्बाद करता था। मैंने कभी अपनी किताबों के बारे में नहीं सोचा, ग्रामर के बारे में नहीं सोचा, संतों के इतिहास के बारे में जानना नहीं सीखा, ये सब मुझे किसी पुराने मित्र की तरह ये किताबें लग रही हैं। अब मैंने दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मुझे सारे लेसन भूलना पड़ेगा, मैं एम हेमल को भी नहीं मिल पाऊंगा। तभी मुझको समझ में आया कि आज हेमल क्यों बहुत स्पेशल ड्रेस पहने हुए हैं, क्यों गांव के इसके गांव के बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर इकट्ठे हुए हैं पढ़ने के लिए, ये सब उनके मास्टर के लिए रिस्पेक्ट था। अब देखिए क्वेश्चन, व्हाई डज फ्रेंड्स कॉल हिज टीचर पुअर, फ्रेंड्स अपने शिक्षक को पुअर क्यों बुला रहा है, आंसर देखो, ए बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ हिज हेल्पलेसनेस, बी है बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ। वो अपने टीचर को पुअर इसलिए बुला रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज हेल्पलेसनेस, आंसर सी है, क्योंकि जो उसके शिक्षक थे एंड में वो फ्रेंच भाषा जिसके आगे नहीं पढ़ा सकते थे, इसलिए वो कैसे हो गए थे हेल्पलेसनेस। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डज द वर्ड क्रैंकी मीन, ए विश, बी इजिली इरिटेटेड, सी इजिली एनॉयड, डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्रैंकी के तीनों मीनिंग है, पीवेश, इजीली इरिटेटेड, इजीली एनॉयड, सो द राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बच्चों, व्हाट हैड बीन अ ट्रबल फॉर फ्रेंड्स फॉर अ व्हाइल, फ्रेंड्स को किस चीज के लिए बहुत तकलीफ हुई, आंसर ए हिज फ्रेंड्स, बी हिज टीचर, सी हिज बुक्स और डी द विलेजर्स, सो द राइट आंसर इज सी हिज बुक्स। बच्चों ये थे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लेसन नंबर 1 के, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करें।